नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को यह बताने वाला हूँ कि हम अपने सोनाली मुर्गियों को, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, उसको कैसे फ्री रेंज में निकालते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद चारा पानी कैसे देते हैं, फिर मुर्गियों का अंडे को उठाएँगे, उसके बाद मुर्गियों को अंदर करेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ में अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह देखिए दोस्तों, बाजरा जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं उसको खिलाने से बहुत फ़ायदा होता है, अंडे का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो हम लोग मुर्गियों को बाहर निकालने से पहले एक डब्बा, मतलब 2-3 किलो बाजरा पूरे मैदान में छीट देते हैं। जब मुर्गियाँ बाहर आएंगी तो इसे अच्छे से खा लेंगी, थोड़ा इसी में व्यस्त रहेंगी दोस्तों, इधर उधर भागेंगी भी नहीं। दोस्तों, मैं कभी कभी सब्जी मंडी जाता हूँ तो वहाँ से जो कुछ भी सस्ता सामान मिले, हरा साग सब्जी, बंद गोभी, कुछ भी मिले, मैं उसे लेकर आता हूँ, अपने मुर्गियों को दे देता हूँ। बहुत चाव से मुर्गियाँ खा लेती हैं दोस्तों। यह देखिए मेरा छोटू, यह सबको पानी पीने के लिए टब में पानी लेकर जा रहा है, एक तरफ रख देगा, जब मुर्गियाँ बाहर निकलेंगी तो पानी इसमें पी लेंगी दोस्तों आराम से, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग मुर्गियों को अब खोलेंगे, उधर हम जाली उली बांध दिए हैं ताकि मुर्गियाँ बाहर ना निकल सके। ये देखिए मेरा छोटू मुर्गियों को निकाल रहा है बाहर दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बस गेट को खोलने में देरी है दोस्तों, उसके बाद सब मुर्गियाँ बाहर निकल जाती हैं, तैयार रहती हैं 4 बजे के बाद कि हमें बाहर निकालेंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह हम अपने मुर्गियों को बाहर निकालते हैं। जब मुर्गियां पूरा बाहर निकल जाएंगी तो हम लोग अंदर जाएंगे, अंडे को उठाएंगे, वह भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। दोस्तों, जो मेरा छोटू बाजरा फ्री रेंज में छीटा था वही सब मुर्गियां खा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। वैसे पूरा मुर्गियां बाहर निकल गई हैं, 2-4 ठो अंदर होगी, वह भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, उसे भी हम बाहर निकालेंगे। चलिए दोस्तों, अब फार्म के अंदर चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, इधर दोस्तों कुछ मुर्गियां अंदर है, मतलब 2-3 ठो, ये सब कभी नहीं निकलती हैं दोस्तों, अंडे देकर उसी पर बैठे रहती हैं। देखिए दोस्तों, अब इसे हम लोग बाहर निकालेंगे, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा अंडा दिए दोस्तों मुर्गियाँ। देखिए, पहले इसे हम लोग बाहर निकालें, उसके बाद हम लोग अंडे को उठाएंगे। देखिए दोस्तों, अब मेरा भाई अंडे को उठाएगा, क्योंकि अंडे को उठाने में इसे मज़ा आता है, बोलता है कि मैं ही हमेशा अंडा उठाऊंगा, आप लोग मत उठाया करो। तो हम लोग इसी को अंडे उठाने देते हैं। दोस्तों, जो भी भाई लोग सोनाली मुर्गी का पालन अंडे के लिए करने को सोच रहे हैं तो वह भाई अंडे का बिजनेस कर सकता है दोस्तों, इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन आपको अपने तरफ मार्केट बनाना होगा, किसी के कहने से या किसी के सहारे यह बिजनेस मत करिए, अपने मार्केट, अपने तरफ मार्केट देखिए, अगर आपके तरफ अंडे सेल होते हैं तब यह बिजनेस करिए, और हाँ, इसमें प्रॉफिट होता है। अगर दोस्तों आप लोग को सोनाली मुर्गी से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, हम आप लोग को जानकारी दे दूंगा। लेकिन मेहनत आपको करना है, मार्केट आपको बनाना है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा दोस्तों। दोस्तों, हम अपने मुर्गियों का बात करें तो हमारे पास 300 बर्ड हैं टोटल, जिसमें से 240 मुर्गी और 60 मुर्गा है, और मेरे पास डेली का 140 से 160 अंडा आता है। और दोस्तों, मैं डेली का खर्च की बात करूं तो मैं 600 रुपये का डेली चारा खिलाता हूं, सुबह और शाम दोनों समय मिलाकर 600 रुपये का, और 150 अंडा मैं मान लेता हूं कि डेली मिलता है। अगर आप इसे 10 रुपये का सेल करेंगे तो 1500 रुपये का बिकेगा, और डेली का मैं 600 रुपये का खिलाता हूं, मान लीजिए उसे 700 रुपये, फिर भी दोस्तों 1500 में 700 आप घटा देंगे तो 800 रुपये का प्रॉफिट हमें अंडे से हो रहा है डेली का। तो दोस्तों, अगर आप इसे बड़े लेवल पर करेंगे, अगर आपका मार्केट बना रहेगा तो आप इसे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अंडे से। बस दोस्तों, आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि कब कैल्शियम चलाना है, कब एंटीबायोटिक चलाना है, यही सब जानकारी आप लोग को हो जाएगा तो आप भी अंडे से प्रॉफिट कमा सकते हैं।
देखिए अब मेरा बाल्टी भरने से बस थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो कभी कभी बाल्टी पूरा भर जाता है दोस्तों। अब देखिए मेरा भाई हर फीडर में चारा डालेगा, अभी भी मुर्गियां बाहर हैं। चारा डालने के बाद गेट को खोलेंगे तो मुर्गियां अंदर आ जाएंगी। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पास 300 बर्ड हैं जो डेली का चारा 24 से लेकर 25 किलो खाती हैं, मतलब दो टाइम खिलाता हूँ सुबह शाम, सुबह 12 किलो और शाम में 12-13 किलो, मिलाकर 24-25 किलो हो जाता है दोस्तों। और मैं अपने चारे की रेट की बात करूँ तो 1290 रुपये बोरी मिलता है हमारे तरफ, जो मैं लेयर चारा खिलाता हूँ। देखिए दोस्तों मेरा भाई अब सब फीडर में चारा डाल दिया है, यह लास्ट डब्बा बचा है, अब हम लोग गेट को खोलेंगे। चलिए आप लोग को वह भी दिखाता हूँ। यह देखिए दोस्तों गेट को खोला जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं सब मुर्गियाँ तैयार है अंदर जाने के लिए। देखिए दोस्तों सब एक मिनट के अंदर सब अंदर चले जाएंगी। कुछ भाई लोग सोचते हैं कि हम फ्री रेंज में निकाल देंगे तो मुर्गियाँ इधर उधर भाग तो नहीं जाएंगी, फिर अंदर कैसे जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, एक दो दिन दिक्कत होता है लेकिन उसके बाद मुर्गे आराम से बाहर आएंगे और आराम से अंदर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। इसी तरह हम अपने मुर्गियों को एक एक घंटा सुबह शाम बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने से यह होता है कि आपके मुर्गियाँ हमेशा स्वस्थ रहेंगी, तनाव में नहीं रहेंगी दोस्तों, साथ में अंडे का प्रोडक्शन और अंडे रेगुलर देंगे दोस्तों। चलिए आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं चारा खाते समय। यह देखिए सब बर्ड कैसे चारे पर टूट गई हैं दोस्तों। अगर आप लोग को हमारा फ्री रेंज का तरीका ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप लोग समय निकाल के मेरा वीडियो वॉच किए, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।